हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A05s फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी A05s फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शंस को कैसे आप इनेबल कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में, और कैसे आप कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शंस को इनेबल करके आप यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि कॉलर आईडी एंड स्पैम कॉल प्रोटेक्शंस को इनेबल कैसे कर सकते हैं और कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं कॉलर आईडी स्पैम कॉल प्रोटेक्शंस को इनेबल करके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जहाँ से आपको जाना होगा फ़ोन आइकन सेटिंग्स पे। फ़ोन आइकन्स पे जाते हैं तो फ़ोन आइकन्स पे जाकर कॉलर आईडी एंड स्पैम कॉल प्रोटेक्शंस को इनेबल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। तो आपको थ्री डॉट पे जाना है, सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। तो कॉलर आईडी पे ये ऑप्शन आ गया, कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शंस, तो इसको इनेबल कर सकते हैं। सिंपली इसको बस इनेबल या ऑन करते हैं तो आपके फ़ोन में कॉलर आईडी इनेबल हो जाएगा, यानी ऑन हो जाएगा, जिससे आप अपने फ़ोन में स्पैम कॉल्स या सस्पेक्टेड कॉल्स को आसानी से शो कर सकते हैं कॉलिंग्स में, और इसका आप पता कर सकते हैं, और फ्रॉड कॉल्स वगैरह भी आप शो कर पाएंगे कॉलर आईडी के जरिए। जब आपका सिम कार्ड वगैरह आपके फ़ोन में होता है तो आप इसको इनेबल या ऑन कर सकते हैं, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे, और अपनी जो भी कॉलिंग्स वगैरह होती है उसको आप फुल स्क्रीन विंडो में शो कर सकते हैं ना, स्मॉल विंडो में भी आप शो कर सकते हैं, और आसानी से आप इसका पता भी कर सकते हैं। या फिर कॉलर आईडी स्पैम कॉल्स वगैरह की रिकॉर्डिंग करना चाहें तो इसको ऑन करके रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो